शाहरुख खान के 23 साल बेटे आर्यन खान की आज NDPS की खसूसी अदालत की जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स बस्ट केस में आर्यन के साथ गिरफ्तार दो दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई है। उनके वकील अमित देसाई ने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अब मुंबई हाईकोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन बुनियादियों पर नहीं बताया गया जिनकी बुनियाद पर हमारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। NCB ने बजाहिर आर्यन खान और आने वाली बॉलीवुड की अदाकारा के दरमियान मुंबई क्रूज पार्टी के दौरान ड्रग्स के बारे में बातचीत पेश की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ड्रग्स फरोशों के साथ आर्यन खान की बातचीत भी अदालत के हवाले की गई है। उसके बाद से इस केस ने पूरे बॉलीवुड और हिंदुस्तान को तूफान में मुब्तला कर दिया। बॉलीवुड में बहुत से लोग और सियासतदान शाहरुख खान के बेटे की हिमायत में सामने आए। शिवसेना के रहनुमा और महाराष्ट्र के वजीर किशोर तिवारी ने बजाहिर एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस केस में कदम रखने की दरख्वास्त की गई है।